अगर फिर से पहाड़ की खबरों की तरफ रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आजाद कॉलोनी के जामिया तो सलाम अल इस्लामिया मदरसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मदरसे के संचालक और मदरसे में काम करने वाले कुछ लोग वहां पढ़ने वाले बच्चों से मारपीट करते हुए आपको साफ नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जानकारी आपको दे देते हैं कि कुछ दिन पहले मदरसे पर एक बाल आयोग की टीम ने औचक निरीक्षण भी किया था। तब बताया ये जा रहा था कि मदरसे में रहने वाले छात्रों की तबीयत बिगड़ी है, जिस पर आयोग ने आपत्ति जताई। जानकारी के मुताबिक मदरसे में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बिहार से बताए जा रहे हैं। सतेंद्र बर्तवाल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतेंद्र, ये पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें जो हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बच्चे को पीटा जा रहा है। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी क्रूरता से इन बच्चों को पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे क्योंकि जी 70 बच्चे बिहार से जो बताए जा रहे हैं वहां पे रहते हैं, ये बोर्डिंग में वहां रहते हैं। अरे, इनके साथ वहां पे किस तरीके का व्यवहार होता है वो तस्वीरें साफ बयां करती है कि रात को हर दिन इनसे इनको पीटा जाता है। बीते अगर हम बात करें कि 8 अगस्त की बात करें तो 8 अगस्त को ये भी एक खबर आई थी कि इस जो ये मदरसा है, इस मदरसे के जो छात्र हैं इनको कुछ इनकी तबियत बिगड़ी थी। करीब 30 बच्चों की जब तबियत बिगड़ी एक साथ, तो उसको लेकर बाल आयोग की टीम भी वहां मौके पहुंची, जिन्होंने उसी टाइम इस मदरसे को लेकर कुछ सवाल उठाए थे कि आखिर में ये मदरसा किस तरीके से चल रहा है, यहाँ क्या कुछ इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट की बात भी उस समय सामने आई थी। लेकिन जैसे ही ये वीडियो अब वायरल हुआ, उसके बाद एक सवाल उठना लाजिम मदरसे की कार्यप्रणाली पर। जी शुक्रिया आपका सतेंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। राखी के मौके पर अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश में छुट्टी मनाने आए हरियाणा के निवासी एक युवक के साथ हादसा हो गया। युवक आनंद शर्मा पैर फिसलने से सच्चा धाम घाट पर गंगा की तेज धारा में बहने लगे। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार जब मची यहां पर। एसडीआरएफ की टीम लगातार युवक को खोजने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन राखी के दिन ये दुखद हादसा, युवक की गई जान, जो हरियाणा के रहने वाले थे। लैंसडाउन के रिखनी खाल में गुलदार का आतंक बना हुआ है। देर शाम एक 6 साल के बच्चे को गुलदार उठा ले गया। गुलदार घर के अंदर से बच्चे को मां के सामने से खींचकर जंगल में ले गया। काफी देर तक ग्रामीण और पुलिस बच्चे की तलाश में जुटे रहे। बच्चे की मां रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके आई हुई थी। मामला रिखनी खाल क्षेत्र के कोटा गाँव का है। इस मामले में दुख जताते हुए लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, विकास खंड रिखनी खाल के ग्राम कोटा में एक 6 वर्षीय बच्चे को जो है कमरे से मां के सामने से भाग ले गया। ये बड़ी दुखद पूर्ण घटना है और निश्चित रूप से हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग बड़े त्रासदी से झेल रहे हैं। वन अधिनियम से हमारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, ऊपर से हमको वन्य जीवों का खतरा है और हमारे बच्चों को जो निवाला बना रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी सरकार को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इसके बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए। रामनगर में वन दरोगा और बीट सहायक की नशेड़ी युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देचोरी रेंज में तैनात वन दरोगा विजेंद्र चौहान और बीट सहायक प्रदीप आर्या ने, बल्कि आप कहिए इनको, कि शराब के नशे में धुत युवकों ने बुरी तरह से पीटा है। वन कर्मियों का कसूर इतना था कि इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में पार्टी कर रहे इन युवकों को वहां जाने से रोका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वन विभाग की ओर से आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। विकास नगर के लाघा चौक पर एक बड़ा विवाद हो गया। यहां सड़क पर जाम के बीच में एक स्थानीय युवक ने अपनी गाड़ी गलत साइड से निकालने की कोशिश की है, तो हरिद्वार से सहिया जा रहे रोडवेज बस के ड्राइवर से युवक की झड़प हो गई है। विवाद बड़ा तो कार ड्राइवर ने कुछ लड़के बुलाए और बस ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ता देख सहसपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बस ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गाड़ी थी जो रॉन्ग साइड से आ रही थी और उसको पीछे करवाने के चक्कर में अपने बंदे बुला के ले आए और सीधे हथियारों से मार। रविवार को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने दो मुन्ना भाई पहुंचे तो मुन्ना भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी यूपी के मेरठ और सॉल्वर अनुपम कुमार बिहार के पटना का रहने वाला है। आरोपियों की योजना एक अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बैठाने की थी। पुलिस के मुताबिक पेपर सॉल्व करने और नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ था। दोनों आरोपी पिछले साल भी यूपी में परीक्षा में धांधली के आरोपों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। उनके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत केस दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया। आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा दो लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है जो कि पटना का रहने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के लेह में सैन्य युद्ध अभ्यास के दौरान गैरसन के रहने वाले हवलदार वसुदेव सिंह परोड़ा शहीद हो गए हैं। शहादत के बाद घर पर जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो देखिए किस तरह से उनको नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। सोमवार को शहीद वासुदेव सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सारकोट लाया गया। बेटे का शव देखकर परिजनों और गांव वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गांव के पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। वासुदेव सिंह साल 2010 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वो इन दिनों लेह में भारतीय सेना के 55 बंगाल इंजीनियरिंग में तैनात थे।